और ये ग्रैंडपा कौन से सच्चे नशे करके आए भाई, ये कर क्या रहे? अरे ग्रैंडपा जी क्या कर रहे हो आप? आई थिंक ग्रैंडपा माइकल जैक्सन के फैन बन चुके हैं, क्योंकि देखो तो भाई क्या डांस स्टेप कर रहे हैं। हेलो व्हाट्स अप गाइस, यार कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार आज हम लोग ग्रैनी और ग्रैंडपा का एक बहुत बड़े सीक्रेट का पता लगाने वाले हैं। तो चलो यार फटाफट चलते हैं गेम के अंदर। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं, अभी फटाफट से डोर को ओपन करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। एंड इससे पहले कि ग्रैनी और ग्रैंडपा को पता चले हमें फटाफट से सीक्रेट का पता लगाना है। वेल हमारा जो सीक्रेट है वो नीचे मिलेगा, इसलिए मैं फटाफट से नीचे आ चुका हूँ। एंड गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा सीक्रेट आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो हमारा जो सीक्रेट है वो है इस डोर के पीछे का सीक्रेट। जी हाँ गाइस, आज हम लोग पता लगाने वाले कि इस डोर के पीछे आखिरकार है क्या, मतलब हम लोग जब यहाँ से एस्केप करते हैं बोट के थ्रू तो हम लोग आगे कहाँ जाते हैं, क्या होता है, क्या हम लोग इस रास्ते से जाकर अपने घर पहुँच पाते हैं कि नहीं। वेल मुझे नहीं पता है, इसलिए हम लोग आज पता करने वाले हैं। एंड उसके लिए इसे ओपन करना पड़ेगा, एंड इसे ओपन करने के लिए चाहिए होगा पैडलॉक की। एंड फटाफट से हम लोग ऊपर चलते हैं, पैडलॉक की ढूंढ के लाते हैं, क्योंकि भाई पैडलॉक की ढूंढना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग का काम है, क्योंकि ग्रैनी और ग्रैंडपा अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं आज कुछ गलत करने वाला हूँ, एंड इसलिए वो लोग मेरे को पैडलॉक की नहीं लेने देंगे। एंड वो लोग मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब करने वाले हैं, इसलिए मैं पहले इस साइड पर देख लेता हूँ। यहाँ पे आई थिंक कोई सामान नहीं रहता कभी भी, बट यहाँ पे कोई तो आ रहा है गाइस। एंड मैं फटाफट से भाग के जा रहा हूँ नीचे की साइड में। ऑलराइट गाइस, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि अभी मेरे को उनकी फुटस्टेप की साउंड नहीं आ रही है। तो अभी चुपचाप से ऊपर की साइड में चलते हैं एकदम सांस रोक के। भाई अगर उन लोगों ने देख लिया ना तो नीचे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो अभी हम लोग फटाफट चलते हैं ऊपर की साइड पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे सब कुछ शांत है, एंड दूर दूर तक मेरे को कोई नहीं दिख रहा है। एंड मैं चाहता हूँ कि किसी को पता ना चले अगर हम लोग चुपचाप से इनके घर में घुस के वो पैड। अरे वो देखो ग्रैनी उधर की साइड में थी। भाई मैं डर क्यों गया इतना ज्यादा, पता नहीं ग्रैनी पियानो बजा रही है। एंड भाई यार इधर की साइड में ग्रैंड पा गया। अभी फटाफट से भाग के ऊपर की साइड पे चलते हैं, क्योंकि अगर उसने मतलब मेरे को देख ही लिया है। एंड अभी ओए भाई यार मार ना दे मेरे को, ओए बच गया फाइनली मैं। अभी इसके अंदर चेक कर लेता हूँ, कभी कभी पैडलॉक इसके अंदर भी रहती है। एंड गाइस पैडलॉक की हमारी इसी के अंदर है, एंड ग्रैंडपा हमारे पीछे पड़ चुका है। एंड आई थिंक इसको पता चल चुका है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, मगर क्यों। एंड एक काम करते हैं, अरे भाई अटक मत यार, अटक मत वरना सारा अपना खेल बिगड़ जाएगा। एंड इससे पहले कि ग्रैंडपा मुझे पकड़ता है मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। एंड भी फटाफट से इस वाले रूम के अंदर चलते हैं, एंड इधर से शॉर्टकट मारते हैं गाइस। अपना काम हो चुका है, हमें पैडलॉक की चाहिए थी जो कि अपने को मिल चुकी है। एंड अभी इसके अंदर चेक कर लेते हैं, वाओ ये वाली गन मिल चुकी है। तो अभी एक काम करता हूँ मैं, ग्रैंडपा की उसको कुछ प्रसाद दे देते हैं ना। आ जा ग्रैंडपा, प्रसाद ले ले मेरे से। एंड ये ले लेता हूँ, क्या पता नहीं यार इसका काम लगने वाला कि नहीं। एक काम करता हूँ, जब मेरे को ये चीज़ मिली गई है ना तो मैं ग्रैनी को भी सुला के आता हूँ, क्योंकि सबसे सही रहेगा, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करेगी मेरे को। बट मेरे को इधर से आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं उधर से भी आ सकता था, और ग्रैनी भाई अचानक से मेरे सामने आ गई। एंड मैंने उसका काम तमाम कर दिया है। एंड अभी एक काम करता हूँ ना गाइस, अभी मौका अच्छा है, दोनों लोग बेहोश हो चुके हैं। अभी मैं जाकर चुपचाप से उस एलियन से भी अपना बदला ले लेता हूँ, क्योंकि हर बारी वो मेरे को बहुत परेशान करता है। तो आज मैं थोड़ा सा उससे अपना हिसाब किताब। अरे यार मैं भूल जाता हूँ कि उसको ये चीज़ आई थिंक नहीं लगती है, कि लगती है पता नहीं यार, मेरे को अच्छे से पता भी नहीं है। अभी एक काम करता हूँ, चुपचाप से मैं चलता हूँ ऊपर की साइड पे। हाँ मैंने अपनी पैडलॉक की यहीं पर गिरी थी, उसे फटाफट से उठा के लेकर चलते हैं नीचे की साइड में। एंड पैडलॉक की यहाँ पे आ गई थी, ये देखो मैंने उठा लिए। एंड अभी फटाफट से डोर को ओपन करते, भाई ओपन हो जा। एंड ये है हमारा शॉर्टकट, एंड इसी रास्ते से हम लोग फटाफट से नीचे पहुंच गए हैं। एंड अभी पैडलॉक की को लेकर जाना है मेरे को नीचे, यस मेरे को पता चल चुका है। ओके एंड यार मेरे को ये सब कुछ ना उनके उठने से पहले ही करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर उन लोगों में से कोई भी उठ गया ना तो अपने साथ बहुत ही गलत सीन हो जाएगा। एंड अच्छा मेरे को इसके लिए और कोई आइटम की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि पैडलॉक की लगेगा एंड उसके बाद ये डोर ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद मेरे को बोट लेकर जाने की तो जरूरत है नहीं, तो इसलिए मेरे को बाकी कोई आइटम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी फटाफट से मैं इसको ओपन करवा देता हूँ, इसको करवा देता हूँ ऑन। एंड ये देखो गाइस गेट हमारा ओपन हो चुका है, एंड हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। एंड अभी ना मेरे को सीक्रेट रिवील करने के लिए इस पानी के अंदर कूदना पड़ेगा, एंड पानी के अंदर वो खतरनाक सा जानवर रहता है जो कि मेरे को तुरंत मार देगा। एंड उसे बचने के लिए हमें अपनी जादू शक्तियों का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं फटाफट से अपनी जादू शक्तियों का यूज़ कर लेता हूँ ताकि वो एलियन मेरे को मार ना पाए। ऑलराइट गाइस, तो मैंने अपनी जादू शक्तियों का यूज़ कर लिया है, एंड अभी अगर मैं इस पानी के अंदर कूदूंगा ना तो वो एलियन वो जो भी जानवर मॉन्स्टर है वो मेरे को मार नहीं पाएगा। और ग्रैंडपा भी आ चुका है, तो इससे पहले कि वो आए मेरे पास मैं पानी के अंदर कूद चुका हूँ। एंड गाइस आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि वो एलियन मेरे को नहीं मार पा रहा है, एंड पता नहीं वो कहाँ चला जा चुका है, पता नहीं क्या है उसके साथ, बट वो मेरे को मार नहीं पा रहा है। और ये ग्रैंडपा कौन से सच्चे नशे करके आए भाई, ये कर क्या रहे? अरे ग्रैंडपा जी क्या कर रहे हो आप? आई थिंक ग्रैंडपा माइकल जैक्सन के फैन बन चुके हैं, क्योंकि देखो तो भाई क्या डांस स्टेप कर रहे हैं। ग्रैंडपा लगे रहो बहुत मस्त काम कर रहे हो आप।
भाई जो भी है, ग्रैंडपा भी ऊपर की साइड में जा रहे थे या नहीं जा रहे हैं पता नहीं यार, ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं, ग्रैंडपा का यार मत्था खिसक चुका है, पता नहीं यार क्या करते रहते हैं। एंड गाइस सबसे मस्त बात तो ये है कि हम लोग पानी के अंदर आ चुके हैं, एंड पानी के अंदर ना तो ग्रैनी आ सकती है ना ग्रैंडपा, तो हम लोग मस्त चौड़ में घूम सकते हैं और हमें वो एलियन भी परेशान नहीं करने वाला। बाकी गाइस अभी हम इन सभी फालतू बातों को छोड़ते हैं एंड अपने मेन बात पे फोकस करते हैं जो कि है इस नाले का सीक्रेट। हमें इसका सीक्रेट पता करना है एंड सीक्रेट पता करने के लिए हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा जो कि अपने लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल काम है। और राइट गाइस तो अभी मैं इसके अंदर जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ, तो 3, 2, 1 ऑल राइट गाइस तो मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। एंड गाइस अभी हम लोग इसके अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। एंड ओए ये क्या हुआ, क्या हुई, मैं टक क्यों रहा हूँ पता नहीं, यहाँ पे कुछ पड़ा है क्या पता नहीं, तो यहाँ पे मेरे को अपनी जादू शक्तियों का यूज करना पड़ेगा एंड तभी मैं इसके अंदर जा पाऊंगा। तो जब तक मैं अपनी जादू शक्तियों का यूज कर रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। A few moments later. All right guys, तो मैंने अपनी जादू शक्तियों का यूज कर लिया है एंड अभी हम लोग इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर देता हूँ, 3, 2, 1 एंड बूम गाइस हम लोग इसके अंदर आ चुके हैं। एंड गाइस अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं एंड पता करते हैं कि ग्रैनी और ग्रैंडपा का सीक्रेट क्या है, क्या हम लोग यहाँ से बच के एस्केप कर पाते हैं या फिर ग्रैंडी और ग्रैंडपा ने आगे कोई ट्रैप लगाया है जिसके वजह से हम लोग यहीं पर फंस के मर जाते हैं। तो चलो यार फटाफट चलते हैं इसके अंदर। एंड भाई मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि अगर कुछ हुआ ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड भाई साहब मैं कितना ज्यादा आगे आ चुका हूँ। एंड अभी चलते हैं इस साइड में। एंड ये क्या है भाई, ये क्या है यहाँ पे, ये आई थिंक, अरे ये तो एलियन है अपना। बट गाइस यार ये रास्ते में यहाँ पर क्या कर रहा है, आई थिंक ग्रैनी और ग्रैंडपा ने यहाँ पे ट्रैप लगा कर रखा है एंड उन्होंने इस एलियन को यहाँ पे फंसा दिया है। एंड अगर यहाँ से कोई प्लेयर एस्केप करता है बोट के थ्रू तो वो कभी एस्केप नहीं कर पाता क्योंकि ये एलियन उसे मार देता है। एंड भाई साहब ये ग्रैनी और ग्रैंडपा की बहुत खतरनाक चाल है। एंड गाइस अगर हम लोग इसका सीक्रेट पता करने यहाँ पर नहीं आते ना तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे साथ होता क्या है। बट गाइस यार अगर ये ग्रैनी और ग्रैंडपा का ट्रैप है तो ये हमें मार क्यों नहीं रहा है, ये देखो मैं इसके ऊपर चढ़ चुका हूँ बट ये मुझे मार ही नहीं पा रहा है। और इसका एक पैर कहाँ चला गया, ओए तेरा एक पैर कहाँ चला गया यार, पता नहीं यार क्या है इसका सिस्टम। बट मैं अभी फटाफट से वापस चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है एंड पता नहीं यार कुछ भी गलत हो सकता है मेरे साथ, तो मैं फटाफट से वापस के साइड चलता हूँ। एंड अरे ये क्या हो रहा है, ओह नो गाइस आई थिंक यहाँ पे कोई तो सीक्रेट चीज लगी हुई है, कोई सीक्रेट वॉल है जिससे मैं उधर से इधर आ सकता हूँ बट मैं इधर से वापस जा नहीं सकता हूँ। एंड गाइस मैंने अपनी मैजिकल पावर का भी यूज कर लिया बट मैं फिर भी उधर नहीं जा पा रहा हूँ, यानी कि मेरा गेम ओवर हो चुका है एंड अभी हम लोग हमेशा हमेशा के लिए इस साइड पे फंस चुके हैं एंड कभी भी उधर नहीं जा सकते। वेल अगर मुझे जाना है तो मैं जा सकता हूँ, उसके लिए मुझे गेम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो गाइस कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो आप लोग कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैंने ग्रैनी के और भी काफी सारे सीक्रेट फाइंड करके पहले ही रखे हुए हैं तो उन वीडियो को आप लोग देखो जाके। एंड इस चैप्टर के और भी सीक्रेट आने वाले तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना एंड कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसे लगी। एंड बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।